हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपकी ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, फिलहाल अभी मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेट मेरे पास है। और एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि ओप्पो वीवो एंड ऑल अदर मोबाइल फ़ोन्स कंपेटेबल वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन विद माइक एंड वॉल्यूम बटन जेनेरिक ब्लूटूथ। बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चीपेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन आप परचेस करें तो ये एक आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। फिलहाल अभी मैंने जो है इसे क्लब फैक्ट्री से मंगाया है और पॉसिबल हुआ तो इसके परचेसिंग के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही अमेजोन के जो चीपेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन है उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टोटल अमाउंट जस्ट 160 है, बहुत ही चीपेस्ट है। एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या है ये मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि ये पैक है और मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किया है। इसके अंदर क्या है एक्चुअल में, चलिए मैं इसे खोलता हूँ। और एक्चुअल में आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले भी अगर क्लब फैक्ट्री से अगर कुछ मंगाया होगा तो इसमें डिलीवरी टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको भी मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था और काफ़ी लेट डिलीवरी होती है इनकी। और चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकिंग थोड़ा सा डैमेज है, बबल रैप है, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में मैंने वाइट कलर का ऑर्डर किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओप्पो का ब्रांडिंग लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये जेनेरिक ब्लूटूथ है। बताया मैंने आपको कि चीपेस्ट है। अगर आप एक सस्ते ब्लूटूथ हेडफोन की तलाश में हैं तो ये आपके लिए चॉइस हो सकती है। आप देख सकते हैं MRP इसका 499 है, बट एक्चुअल में मैंने आपको पहले तो बिल ही बता दिया कि 160 का ये मैंने परचेस किया था। और यहाँ पर कुछ इसके स्पेक्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस तक के ये कवर करता है और ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है और टॉक टाइम कितना आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगा, स्टैंड बाय में कितना मिलेगा, चार्जिंग टाइम आपको कितना रखना है, ये यहाँ पर बताया गया है। कुछ मॉडल नंबर वगैरह हैं, क्वालिटी के बारे में लिखा है और वॉइस क्वालिटी इफेक्ट हाई डिफिशन। एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जेनेरिक है तो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी इतनी बेटर ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने स्पेशली ये इसलिए ऑर्डर किया है कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं एडिट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसके लिए मैं हेडफोन यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं एक्चुअल में वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करता था अब तक के, और मेरे पास पुराने भी कुछ ब्लूटूथ हेडफोन्स थे, लेकिन एक्चुअल में वो किसी वजह से मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये दबा हुआ है, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट में आने से काफ़ी ख़राब हो चुका है। और बॉक्स में बस इतना ही है, इसके अंदर जो मेन डिवाइस है इतना ही इसके अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर इसके अंदर कोई यूज़र मैनुअल भी नहीं है और ना ही कुछ चार्जिंग केबल वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल में चीपेस्ट है, तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर इसकी क्वालिटी और हम समझ सकते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर शेयर करूँगा। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बटन है जो ऑब्वियसली यहाँ ये ऑन ऑफ हो सकता है, और इसी के साथ में ये कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। साथ ही वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पर दिया हुआ है, अप एंड डाउन। तो चलिए, यहाँ पर बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं, लेकिन माइक के साथ में है। और एक नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप लेना चाहो तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, स्पेशली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। बस बाकी तो कुछ है नहीं, बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर इस तरीके का चीपेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन की तलाश अगर कोई कर रहा है तो उसको आसानी से ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।